खबर बहराइच जिले से है, जहां पर हाथी के मौत की गुत्थी अभी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि प्रशासन ने घोषणा की है कि 5 डॉक्टरों का पैनल हाथी के शव का पोस्टमार्टम करेगा। बता दें कि मौके पर पहुंचे फील्ड डायरेक्टर दुधवा संजय पाठक, प्रभागीय वनाधिकारी कतनिया घाट जीपी सिंह, दुधवा टाइगर रिजर्व के उत्तर निघासन रेंज अंतर्गत खैरटिया गांव में किसान जागीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह के खेत में मिले हाथी का शव का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों का पैनल करेगा, जिसके बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा। मौके पर लखीमपुर और बहराइच वन महकमा पहुंच चुका है। फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि हाथी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की है, हाथी के मरने का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकता है। घटना स्थल उत्तर निघासन अंतर्गत का है, लेकिन पोस्टमार्टम और आगे की प्रक्रिया दोनों रेंजों की टीम मिलकर करेगी। प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी मनोज सोनकर, उप प्रभागीय वनाधिकारी यशवंत, वन क्षेत्राधिकारी कतनिया घाट पीयूष मोहन श्रीवास्तव, WWF के परियोजना अधिकारी दबीर हसन, वन क्षेत्राधिकारी उत्तर निघासन दिनेश बडोला, वन दरोगा कतनिया घाट मयंक पांडे, कौशल किशोर जमुना, अजय सिंह वन दरोगा अनिल आदि मौजूद रहे। तो बाहर जो राजस्व क्षेत्र है, रेलवे की भूमि है, उस पर मिला है और प्रथम दृष्टया जो है दुर्घटना बस हुआ प्रतीत होता है गिरने से, पर यह है कि अप्राकृतिक मौत है तो हम सारे कारणों की जांच किए बिना जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक एक जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको जो है रूल आउट करना पड़ेगा। तो अप्राकृतिक मौत है तो कुछ भी मतलब बिना पोस्टमार्टम के और आगे के मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन के बिना किसी नतीजे पे पहुंच पाना इस समय जो है वो मतलब काफी। नर है या मादा है, उम्र कितनी होगी सर? नर हाथी है और उम्र करीब 25-30 साल के आसपास होगी, जो उसका टस्क देख के अंदाजा लग रहा उसे ऐसा लगा फुल ग्रोन हाथी। कितनी देर पहले की मौत है सर? लगभग लगभग 24 घंटे से लगभग हो गया होगा, 24 घंटे के आसपास कल दिन में मतलब सुबह के वक्त जो है होने का अंदेशा है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।